हेलो एवरीवन। सो अभी हम लोग कवर करेंगे जो फ्रेंच बास्केटबॉल लीग अभी ऐड हुआ है ड्रीम इलेवन में नया, ठीक है। तो वो मैच हम लोग कवर करेंगे जो खेला जाने वाला है मोनाको वर्सेस जेलबर्ग के बीच में, ठीक है। तो गाइस अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को विजिट कर रहे हो यूट्यूब के, तो चैनल को गाइस सब्सक्राइब ज़रूर करना है आपको, ठीक है। और जो बेल आइकॉन है उसको आपको प्रेस करना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकॉन को प्रेस करोगे, तो आपको डेली नोटिफिकेशन आएगा जो मैं क्रिकेट बास्केटबॉल फुटबॉल के डेली वीडियोस जो डालता हूँ वो आपको टाइम टू टाइम मिलेंगे। उसमें सारे डिटेल्स, स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग स्टैट्स प्लस लाइनअप्स, इंजरी न्यूज़ सब उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब करना भूलिए मत, और जो बेल आइकॉन है नोटिफिकेशन के लिए उसको प्रेस करना है आपको, ठीक है। सेकेंड चीज़, मैं आपको अभी मेरा प्रोबेबल टीम बताने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन लाइनअप तो आएगी मैच चालू होने से 15-20 मिनट पहले, तो लाइनअप, फाइनल लाइनअप के लिए और फाइनल टीम के लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को गाइस जुड़ना ज़रूरी है, ठीक है। तो टेलीग्राम पे आपको सर्च करना है रोहित द हिटमैन करके, या फिर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मिल जाएगा, वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो सीधा हम लोग अभी गौर करेंगे मोनाको वर्सेस जेलबर्ग के मैच को, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मोनाको की जो लाइनअप थी लास्ट मैच के लिए। गाइस आई फाइन ने स्टार्ट किया था, फ्रेजियर, नाइट, लेसॉट, ए एंडोए, ठीक है। तो ये पांच जन ने स्टार्ट किया था मोनाको के लिए। सेकेंड जो टीम थी जेलबर्ग की, स्टार्टिंग लाइनअप में थे एंड्यूसिक, बेनाइटेज, ओमिच, बाद में है पेलोस, बाद में है स्क्रब, ठीक है। तो ये लाइनअप थी जेलबर्ग के लिए। अभी हम लोग देखेंगे पूरा स्टैट्स लास्ट मैच का जेलबर्ग के लिए। 89-84 से 5 पॉइंट से जीती है ये टीम, देख सकते हैं। डी एंजुसिक ये टीम का गाइस मेन प्लेयर है, आपको SPBP करके जाना ही है स्मॉल लीग एंड ग्रैंड लीग में, इसको बहुत अच्छा प्लेयर है, देख सकते हो। 29 पॉइंट्स, 2 रिबाउंड, 5 असिस्ट, 32 मिनट खेला था। बाद में पेलोस बहुत बढ़िया प्लेयर है ये भी, 12 पॉइंट्स, 3 रिबाउंड, 2 असिस्ट, 32 मिनट्स। एम कबी 11 पॉइंट्स, 1 रिबाउंड, 1 असिस्ट, 20 मिनट्स में। एच बेनाइटेज 10 पॉइंट्स, 3 असिस्ट, 25 मिनट्स में। एल एसेरिच 7 पॉइंट्स, 2 रिबाउंड, 3 असिस्ट, 19 मिनट्स में। ए ओमिज देख सकते हो 7 पॉइंट्स, गाइस ये देखो 21 रिबाउंड्स, मतलब बहुत इसका हाइट ज़्यादा रहने वाला है, तो ए ओमिज भी आपके लिए बढ़िया पिक साबित हो सकता है। 33 मिनट खेला था। बाद में जेड राइट 6 पॉइंट्स, 1 असिस्ट, 9 मिनट्स। टी स्क्रब देख सकते हो 5 पॉइंट्स, 5 रिबाउंड, 1 असिस्ट, 25 मिनट। बाद में है बी फोफाना 2.6 मिनट्स में, ठीक है। उसके बाद में जो अनदर टीम है मोनाको का, देख सकते हो 84-78 से गाइस लास्ट मैच ये हार के आए हुए हैं। तो ये मैच में बढ़िया परफॉर्मेंस करने की आप इनसे उम्मीद रख सकते हैं। आर ग्रे बहुत अच्छे फॉर्म में है गाइस, देख सकते हो 19 पॉइंट्स, 3 रिबाउंड, 30 मिनट्स में। मथियास लिसॉट 14 पॉइंट्स, 8 रिबाउंड, 2 असिस्ट, 24 मिनट्स में। आई फाइव 12 पॉइंट्स, 8 रिबाउंड, 1 असिस्ट, 18 मिनट्स में। बी फ्रेजियर 10 पॉइंट्स, 2 रिबाउंड, 26 मिनट्स में। मार्कस नाइट्स 7 पॉइंट्स, 5 रिबाउंड, 1 असिस्ट, 23 मिनट्स में। जे ओब्रायन 6 पॉइंट्स, 2 रिबाउंड, 1 असिस्ट, 20 मिनट्स में। बेन डोस 5 पॉइंट्स, 1 रिबाउंड, 1 असिस्ट, 17 मिनट्स में। बाद में डेमा इसका परफॉर्मेंस 2.1 रिबाउंड, 1 असिस्ट, 7 मिनट खेला था लगभग। एंडोए देख सकते हो गाइस आप स्टार्ट करता ही अपने टीम के लिए, 1 पॉइंट्स, 2 रिबाउंड, 20 मिनट्स खेला था लगभग। बाद में वाई चौपास 4 मिनट्स में कुछ कर नहीं पाया था। डी इंग्लिश आप देख सकते हो 15 मिनट में उसने 6 रिबाउंड्स लिए थे, ठीक है। तो सीधा हम लोग अभी गौर करेंगे जो टीम का प्रीव्यू होने वाला है मेरा इस मैच के लिए। तो गाइस मैं अभी आपको मेरा जो टीम का प्रीव्यू रहने वाला है वो अभी मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये मेरी प्रोबेबल टीम रहेगी बिफोर द लाइनअप, फाइनल टीम जैसे मैंने कहा मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो मैंने पिक किया है पॉइंट गार्ड सेक्शन से डी एंड्रूजिक, मार्कस नाइट, यहाँ से आपको फ्रेजियर दिखेंगे खेलते हुए, बाद में डिमाइस आपको दिखेंगे यहाँ से खेलते हुए। बाद में शूटिंग गार्ड सेक्शन से मैंने पिक किया है डोस्ट को, बेनाइटेज को, राइट आपको दिखेंगे यहाँ से खेलते हुए, चौपास आपको दिखेंगे, सेफ ऑप्शन आपके लिए रहने वाले बोस्ट और बेनाइटेज। बाद में आप देख सकते हो स्मॉल फॉरवर्ड, यहाँ से आपको स्क्रब दिखेंगे खेलते हुए, जे ओब्रायन दिखेंगे, एम करबी दिखेंगे, ए एंडोए दिखेंगे। राइट ये देख सकते हो आपके पास करबी या फिर आप एंडोए किसी एक को ले सकते हो, दोनों भी बढ़िया प्लेयर है। फिलहाल मैं जा रहा हूँ एम करबी के साथ। पावर फॉरवर्ड सेक्शन में आप देख सकते हो आर ग्रे के साथ मैं गया हूँ, बहुत बढ़िया प्लेयर है, ठीक है। आपको यहाँ से ए ओमिज दिखेंगे, देखते हैं फाइनल लाइनअप क्या आएगा। मैं मोस्टली ट्राई करूँगा ए ओमिज को मेरे टीम में रखूँ, 21 रिबाउंड से लास्ट मैच में उसके, ठीक है। यहाँ से आपको एसरिज भी खेलते हुए दिख जाएंगे। सेंटर सेक्शन से मैंने पिक किया है लेसॉट को, पेलोस को आपको 5 दिखेंगे खेलते हुए, डी इंग्लिश यहाँ से आपको दिखेंगे, आपको बी फोफाना दिखेंगे, ठीक है। तो लेसॉट आपके लिए गाइस बढ़िया पिक होने वाला है स्मॉल लीग ग्रैंड लीग के लिए, SP और PP के लिए, ठीक है। तो ये मेरी है टीम की प्रीव्यू गाइस। SP के लिए मैं गया हूँ सेफ ऑप्शन एंडूसिस, PP के लिए आपके पास लेसॉट अच्छा ऑप्शन है,
अगर आप ग्रे को भी कर सकते हो, ग्रे भी बहुत बढ़िया फॉर्म से अभी खेल रहा है, ठीक है। मार्कस नाइट बहुत बढ़िया प्लेयर, लेकिन ये लीग में वो ज़्यादा टाइम खेलता नहीं है। सेम फॉर डी बोस, डी बोस तो अभी बेंच से खेल रहा है। अगर बोस स्टार्ट कर रहा है तो पीपी के लिए आप इसके लिए बढ़िया ऑप्शन रह सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए सेफ ऑप्शन मैंने बताया, सबसे पहले एंडुसिच और जो सेकंड ऑप्शन है लेसॉर्ट। तो ये मेरी फाइनल टीम रहेगी। बिफोर द लाइन ऑफ फाइनल चेंजेस वाली टीम टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जुड़ने के लिए ज्वाइन करना है टेलीग्राम वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस मैच।